अब हम जा रहे हैं समालटा मंदिर, तब ये बताएंगे कि इनका क्या रोल है इस चीज में। चालदा महासु महाराज जी के देव दर्शन हेतु आए हुए सभी श्रद्धालुओं का खत समालटा वासी हार्दिक स्वागत करते हैं। टेढ़े मेढ़े रस्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में धगड़ियों संग दौड़े चले। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए अपने नानी के घर यहाँ पे, और ये गोलू पीछे जा रहा है। अभी तक आपने इसके ब्लॉग्स देखे होंगे, तो बताना कमेंट सेक्शन में इसने कैसा परफॉर्म किया। अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना नेटवर्क एरर बहुत है, तो फिर एग्जाम कैसे देना पड़ रहा है। मेरी मौसी का बेटा है और यहाँ बैठ के अपने ऑनलाइन एग्जाम कर रहा है, और घर वहाँ पे हमारा। तो अभी हम घर चलते हैं। ये देखो, यहाँ से ना भद्राज देवता भी क्लियर दिखता है, बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करूँगी। ये देखो वहाँ पे वाइट कलर का टेम्पल है, तो वहाँ जाते हैं सब लोग, पैदल भी जाते हैं, तो कभी जाएंगे फिर दिखाएंगे। तो अभी हम अपने घर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे नाना जी और श्वेता की मेहनत, अभी तक मैं भी यही कर रही थी। पहले इसमें से रस्सी निकाल के ऐसे ऐसे ये बनाना है, फिर इनसे खाट बनेगी। नान जी आप खुद बनाओगे खाट? हैं, कब तक बनेगी, कितने दिन लगते हैं? बन जाएगी, ठीक है, अगर हो पाया तो वो भी दिखाएंगे। और यहाँ आज लाइट में थोड़ा फॉल्ट है, तो इसलिए मम्मी यहाँ ने भड्डू चूल्हे पर रख के पानी गर्म कर रही हैं। और ये देखो नानी का बहुत ही अलग स्टाइल अपने बर्तन धोने का, राख होती है जो चूल्हे की, उससे धोती है, तो ये काफ़ी शाइनी रहता है, हमेशा ख़राब नहीं होते। फिर ये वापस आ रहा है वहाँ से अपना एग्ज़ाम दे के। देखो अब हम जा रहे हैं समालटा मंदिर, वहाँ पे चाल देवता। तो जाने से पहले मैं वहाँ के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि जो हमारे मासू महाराज हैं वो चार भाई होते हैं, बोटा महाराज, पवाशिक महाराज, बाशिक महाराज और चालदा महाराज। तो चालदा महाराज सबसे छोटे हैं, तो मतलब वो ऐसे हैं कि वो उनकी मूवमेंट होती रहती है, मतलब ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो ऐसा है कि हमारे जौनसार बावर में दो चालदा महाराज चलते हैं, एक जौनसार में चलते हैं, एक बावर में चलते हैं। तो जौनसार वाले जो हैं उनका तो ऐसा रहता है कि एक गाँव में चार या पाँच, में श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि वो कितने साल तक एक गाँव में रुकते हैं, फिर उनका मूवमेंट होता है। लेकिन जो बावर वाले हैं इनका एक एक साल का मूवमेंट रहता है। तो अभी ये समालटा में आए हैं, और इससे पहले वो उसमें थे, मोहना गांव में थे। तो वैसे तो मूवमेंट एक एक साल में होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से फिर दो साल में हुआ। तो अगर किसी को इनकी मतलब वो चालदा यात्रा जो है उसकी वीडियो देखनी है, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उससे देख लेना, क्योंकि मैंने दो शॉर्ट वीडियोज़ डाली हैं उसकी। और बाकी इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ स्क्रीन पर कहीं हो जाएगा, मैंने वहाँ पर भी वीडियो डाली है, तो किसी को यात्रा देखनी हो वहाँ से देख लेना। और ये समालटा में जो भी चालदा देखता है, ये पूरे 67 ईयर्स बाद उस गाँव में गए हैं, मतलब तो ये बिल्कुल ऐसे वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट होता है। अगर कोई देख पाए तो, जो मैंने देखा था अपने सामने हमारे गांव में जब आए थे, तो वो थर्ड क्लास में आए थे, जब मैं थर्ड में थी। तो फिर उसके साथ उसके बाद 9-10 साल रुक के वो कहीं और चले गए थे। बाकी अभी दर्शन हम आगे जाके करते हैं। यह कालसी गेट, यहाँ से सारी यूटिलिटीज़ पहले विकास नगर से यहाँ आती हैं, और फिर यहाँ से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाना स्टार्ट होती है। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ का सबसे डेंजर जोन जो है इस रोड का, है जज रेड। और ये देखो इसकी कंडीशन यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है। ये इसका हर साल का ऐसा ही है, कितना भी बना लो हमेशा टूटता है ऊपर से, पूरा 12 मंथ्स हमेशा एक जैसी भी रहेगी, क्योंकि यहीं पर रोड ब्लॉक होती है, कभी भी हो सकती है। ये देखो ये ऊपर से हमेशा लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे, कुछ भी कर लो। ये है सैया,
यहाँ से समालटा बस 5 किलोमीटर और है, फिर हम मंदिर पहुँच जाएंगे। और ये वही जगह है जहाँ पे पापा तब पहुँचते थे। ये अभी हम पहुँच गए हैं समालटा, तो ये यहाँ पे मंदिर की एंट्रेंस है, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं और वहाँ पे शूज़ वगैरह रखने का है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये है यहाँ का मंदिर समालटा का, चाला देवता है। यहाँ पे अभी आए हैं मोहना सर। अब ये लोग जो है वो चालधा महाराज के साथ आते हैं, मतलब जो जहाँ वो पहले थे वहाँ से भी साथ आए हैं। तो ये बताएंगे कि इनका क्या रोल है इस चीज़ में। ये ऐसा है कि चालधा महाराज जैसे साठी पाँची है, तो उसमें 12 साल साठ बील में, 12 साल पाँच बील में जो है महाराज रहते हैं। तो जो है ये अलग अलग है, जो ढोल बजाने वाले हैं हम लोग तो 5 बील के अलग है, 60 बील के अलग है। तो इस टाइम जो अनुसार में है देवता, तो जहाँ भी देवता जाएगा वहाँ हम लोग ही साथ चलेंगे। जब देवता का जो है ये पूरा हो जाएगा यहाँ का, उसके बाद देवता जो है 5 बील में चले जाएगा, तो हम लोग उन्हें सौंप देते हैं सारा कारोबार। तो जहाँ जहाँ देवता जाता है वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं। और हमारा ये महीने महीने का जो है ड्यूटी है, हर महीने हमारे 2 आदमी चेंज हो जाते हैं। जैसे इनके साथ ये दूसरे हैं, अब अगले महीने कोई और आ जाएगा। अगले महीने कोई और आएगा। और ये जो यहाँ पे बकरे हैं इनका क्या है? ये महाराज के बकरे हैं, महाराज के बकरे चढ़ाते हैं, तो इन्हें कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। जो देवते के पास जो चढ़ जाता है उन्हें कोई काट मार नहीं सकता। ये जहाँ देवता जाएगा वहाँ साथ जाएंगे, बिल्कुल आगे रहेंगे देवते से। कुछ तो ऐसे हैं जो कि जहाँ देवते को जाना होता है, कुछ बकरे ऐसे हैं जो पहले पहुँच जाते हैं। ये कुछ महाराज की कुछ ऐसी शक्ति है। हाँ जी, जो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, थैंक। फिर यहाँ से समालटा गांव है, तो अभी हम थोड़ा ऐसे ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये देखो कितना पुराना घर है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे तो सारे अभी ऐसे मॉडर्न बट थोड़े से ओल्ड घर हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब ओल्ड चीज़ों को थोड़ा मॉडर्न टच दे के भी घर बना रखे हैं। अच्छा गांव है। यहाँ पे ऐसा होता है कि घर बने तो किसका घर है वो भी लिखा रहता है, किसने बनाया मतलब वर्कर्स जो थे उनका भी नाम रहता है, तो सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे भंडारा भी है, तो यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर कोई आना चाहे, ये यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ से एंट्रेंस है, पीछे मंदिर है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। वहाँ पे शूज़ वगैरह रखने का भी सारा वो है, अरेंजमेंट है। आगे पानी भी है हाथ धोने का, और बाकी हर जगह आपको ये देवता के बकरे देखने को मिल जाएंगे। अब हम भंडारा खाने जा रहे हैं। यहाँ पे भंडारे का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ये यहाँ पे भंडारा है,
तो जब देवता यहाँ आए थे तो वहाँ उधर बेंचेस वगैरह लगाई हैं कुछ, तो वहाँ पे सबको भंडारा दिया था। बाकी कभी भी यहाँ आते हो तो यहाँ अंदर हमेशा भंडारा चल रहा होता है और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, और फिर उसके बाद अपनी प्लेट्स यहाँ पे धो के वहाँ उनको दे सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे लोगों का, सबका सदा प्रसाद यहाँ पे भंडारे में। बहुत अच्छा प्रसाद। और सिस्टम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि खाओ और प्लेट धो अपनी। नानी आना ही नहीं चाहती, फेस ही नहीं करना चाहती कैमरा। जय चालदा महासु महाराज। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, आप अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। भंडारा होता है तो यहाँ पे देखो लकड़ी वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी लकड़ी तोड़ रहे हैं ये लोग। दिया है यहाँ से वापस और हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज। ये है यहाँ पे मंदिर, और ट्राई करना मोस्टली वीकडेज पे आना, वीकडेज पे ज्यादा वो नहीं रहती भीड़, बाकी रश रहता है संडेज वगैरह पे। जैसे जा रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि ये रूट कितना अच्छा है, रास्ता कितना अच्छा है, सीनिक ब्यूटी देखेंगे। अरवाई नानी क्या देख रही कि यहाँ पे भीमल के पेड़ कम है, ये पेड़ कम है। और कभी हम ऐसे रास्ते से जाते हैं जिसमें पत्ते पत्ते होते हैं तो मम्मी को अपने पुराने दिन याद आते हैं, फिर मम्मी कहती है हम भी ऐसी पत्ते उठाते थे, पातन उठाते थे, लकड़ी उठाते थे, सीनिक ब्यूटी इंजॉय नहीं करते अभी, अपने पुराने दिन याद करते हैं। ये लंबे लोगों की प्रॉब्लम, वहाँ बैठा था फिट नहीं हो पाया, अब इधर बैठेगा पैर सो गए। तो नहीं आप बैठो ना नानी पहले, फिर ये और मैं एडजस्ट हो जाएंगे। लंबे लंबे पैर। अब जाके ठीक हुई होगी। Say what you wanna say to me now. ब्लॉग बनाने में, और फिर मैं वहाँ इतनी मेहनत से पूछने गई, मतलब इतना मतलब बहुत ही मेहनत लगा के मैं उनसे पूछने गई कि आप कुछ बताओगे मंदिर के बारे में, और वो बिजी थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर अब जो मैंने वो इन्फॉर्मेशन बताई है तो अब आप उसी से काम चलाना, और थोड़ी बहुत अगर गलत या सही कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।